हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं घर पे उड़द दाल की कचौड़ी बनाने जा रही हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही लाजवाब लगता है। फ्रेंड्स, ये कचौड़ी कहीं मार्केट से ज्यादा क्रिस्पी और करारेदार होगी, तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। कचौड़ी का डो बनाने के लिए हमने यहाँ पे 450 ग्राम मैदा ले रखा है। मैदा को हमने छान लिया है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पे हमने लिया है 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन को आप कभी भी डालें, तो ऐसे हथेली पे लेके और थोड़ा सा इसे क्रश कर लें, इससे इसका फ्लेवर उभर के आता है। तो हम थोड़ा सा अजवाइन डाल लेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक और साथ में हम इसमें मोयन डालेंगे। तो यहाँ पे अपना हम 4 से 6 चम्मच मोयन डालेंगे। अब हम मोयन को मैदा के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ऐसे मैचना है आपको, जिससे कि अच्छे से अपना मोयन मैदा में मिक्स हो जाए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है कचौड़ी बनाने के लिए। अब देख सकते हैं, हमने मोयन को मैदा में अच्छे से मिक्स किया है। मोयन यानी कि वही जो अपना तेल ही पड़ता है, उसे हम मोयन भी कहते हैं। इसकी एक और पहचान है, हम मुट्ठी बांध रहे हैं तो लड्डू की तरह ये बंध जा रहा है। यही पहचान है कि परफेक्ट मोयन अपना पड़ा है डो में। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदेंगे, यानी कि ये नॉर्मल पानी है और हम इसे आटा की तरह गूंदेंगे। तो हमें थोड़ा हार्ड ही गूंदना है, इसके लिए पानी हम अंदाज से डालेंगे। तो आप देख सकते हैं, हमने अपनी डो को मसल मसल के एक स्मूथ सा डो बना लिया है। ये ज्यादा ना सॉफ्ट है ना ज्यादा हार्ड है, तो हमें ऐसे ही डो चाहिए कचौड़ी के लिए। अब हम डो को ढक के छोड़ देंगे और तब तक हम स्टफिंग की तैयारी करेंगे। हमने पहला स्टेप ये लिया था कि दाल को 4 घंटा पहले पानी से भिगो दिया था। तो ये उड़द की दाल है, आप सब जानते ही हैं। इसे साफ करके हमने पानी में भिगा लिया था। अब हम इसका पानी बिल्कुल निकाल के और मिक्सर जार में डालेंगे। हमें बिल्कुल सूखा सूखा इसे पीसना है, क्योंकि इसे ज्यादा बारीक नहीं करना है, तो पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम धीरे धीरे करके इसे दरदरा पीस लेंगे। तो इसमें से हमें पानी बिल्कुल निकालते हुए और मिक्सर जार में ले लेना है। तो हमने दाल को मिक्सर जार में ले लिया है। अब चलिए हम कैसे पीसते हैं वो आपको दिखा देते हैं। आप ध्यान से देख लीजिए, हम बिना पानी का झिक झिक करके इसे दरदरा पीस लिया है। ये दाना भी नहीं दिख रहा है और बिल्कुल पेस्ट भी नहीं बना है। तो कचौड़ी के लिए हमें ऐसे ही दाल चाहिए। अब हम इसे एक बॉल में निकाल लेंगे। तो अब हम गैस पे एक कढ़ाई रख लिए हैं, मोटी पेंदी वाली, और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा, 1 बड़ा चम्मच सौंफ, और इसे हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि ये स्पेशल कचौड़ी का मसाला है, जिसे हमें गरम करके दरदरा कूटना है। तो हमने यहाँ पे कढ़ाई गरम करके उसमें धनिया जीरा सौंफ को गरम कर लिया है, यानी कि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगती है, यही इसकी पहचान है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और अपना जीरा धनिया ठंडा होने के लिए किसी दूसरे प्लेट में निकाल लेंगे। तो ऐसे हम किसी प्लेट में निकाल लेंगे। इससे ये जल्दी ठंडा हो जाता है, तो फिर हम इसे दरदरा कूट लेते हैं। अब हम थाली से इसे ये उखल में डाल लेंगे। आप मिक्सर में भी दरदरा कूट सकते हैं, लेकिन इसमें भी अच्छे से कूट जाता है। तो आपके पास जो भी सुविधा हो उसके साथ ही कूट लीजिए। तो हम इसे ऐसे हल्का हल्का मारेंगे तो ये टूट जाएगा। 2 से 4 टुकड़ा होना चाहिए, इससे ज्यादा हमें नहीं कूटना है। तो आप देख सकते हैं, स्टफिंग के लिए अपना ये
सूखा मसाला तैयार हो गया है। अब हम गैस की तरफ फिर से चलेंगे। गैस पे हमने वही कढ़ाई ले लिया है जिसमें हमने धनिया सौंफ और जीरा भुना था, इसी में हम डाल देंगे 2 से 3 चम्मच तेल। यहाँ पे आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रिफाइंड तेल में हम बना रहे हैं। तेल को हम हल्का सा गर्म करेंगे और उसमें थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। जीरा में हल्का सा चटकने की आवाज आने देंगे। आप देख सकते हैं अपने जीरा से फूटने की आवाज आने लगी है। इसी स्टेज पे हम डालेंगे 1/4 चम्मच हींग। हींग डालने के तुरंत बाद हम डाल देंगे इसमें अदरक और हरी मिर्च जिसे हमने दरदरा क्रश कर लिया है। इसमें पेस्ट नहीं डालना है, हमें दरदरा कूटा हुआ डालना है। हम हल्का सा इसमें अपना अदरक और मिर्च भूनेंगे और साथ में हम डाल देंगे हल्दी। तो ध्यान रहे हल्दी मिर्ची डालते टाइम या तो हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे या स्लो कर लेंगे। तो हम डाल रहे हैं 1/2 चम्मच हल्दी। हमने हरी मिर्च डाला है तो हम यहाँ पे 1 चम्मच लाल मिर्च डाल ले रहे हैं। साथ में हम डाल रहे हैं 1 चम्मच धनिया पाउडर। इसे हम 1/2 मिनट तक भूनेंगे क्योंकि ये ड्राई मसाला है, जल्दी जलने का चांस रहता है। तो ये बात को आपको ध्यान में रखते हुए मसाला भूनना है। ये कलर कितना बढ़िया आ चुका है आप देख सकते हैं। इस स्टेज पे हमने जो उड़द का दाल दरदरा पीस रखा है उसे डाल लेंगे। तो ये अपना कचौड़ी का मसाला तैयार हो रहा है। ध्यान रहे हमें भारी पेंदी वाली कढ़ाई में भूनना है, नहीं तो नॉन स्टिक पैन लेना है। इसमें आसानी से अपना दाल जो है भून जाता है, ये जलता नहीं है। तो हम स्लो फ्लेम पे धीरे धीरे इसे भूनेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं काफी दाल अपना भून चुका है, यानी कि ये फुरफुरा सा दिखने लगा है। इस स्टेज पे हम डालेंगे 1 चम्मच अमचूर पाउडर क्योंकि हमें इसे चटपटा बनाना है। और साथ में हम डालेंगे 1 चम्मच चाट मसाला, थोड़ा सा हम गरम मसाला भी डाल लेंगे और स्वाद के अनुसार हम नमक भी इसी टाइम ऐड कर लेंगे। तो ध्यान रहे अपने डो में भी हमने नमक डाला है तो फिलिंग में भी अंदाज से ही डालना है। ये छोटी छोटी बातों को ध्यान देते हुए हम स्टफिंग बनाएंगे। चलिए हम सभी मसाले को अच्छे से भून लेते हैं। अब यहाँ पे हम फाइनली डालेंगे जो हमने क्रश करते हुए सौंफ, जीरा और धनिया का पाउडर बनाया था। इसी से तो कचौड़ी में जान आती है। तो यहाँ पे हम 2 चम्मच पाउडर यूज किए हैं, इसे भी हम मिक्स करते हुए भून लेंगे। जब आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कितनी बढ़िया खुशबू आती है कचौड़ी की फिलिंग से। तो ऑलमोस्ट अपनी फिलिंग तैयार है। हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और फिलिंग को ठंडा होने देंगे। अपनी कचौड़ी की फिलिंग ठंडी हो चुकी है और अपना मैदा भी सेट हो चुका है जो डो हमने बना के रखा है। तो हम एक बार इसे चेक कर ले रहे हैं, थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है, बढ़िया फूल चुका है। तो हम डो को हल्का सा ऐसे मसल लेंगे, हल्का सा मच लेंगे। तो हम मैदा में से 1/2 पोर्शन ले लेंगे और इसका एक रोल बनाएंगे। रोल को हम ऐसे प्रेस कर लेंगे क्योंकि हमें कचौड़ी बनानी है तो रोल थोड़ा मोटा ही रखेंगे क्योंकि हमें बॉल बड़ा सा तोड़ना है। तो हम एक नाइफ की मदद से 1 बराबर की लोई काट लेंगे। अब हम इसके पेंडे बना लेंगे। तो ऐसे मसलते हुए हम पेंडे बना लेंगे। तो हमने डो से सभी बॉल्स बना लिए हैं। अब चलिए हम फिलिंग का बॉल्स बना लेते हैं। ये अपना कचौड़ी का फिलिंग ठंडा हो चुका है, हम इसके एक छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। इससे क्या होता है अपनी कचौड़ी स्टफिंग करने में फैलती नहीं है और आसानी से हो जाता है। तो हमें जितनी कचौड़ियां बनानी है उतने बॉल्स बना लेंगे। हमने डो से पेंडे तैयार कर लिए, फिलिंग का बॉल्स बना लिया। अब गैस पर हम तेल गर्म होने के लिए रख लेंगे।
तो यहाँ पे अपनी तेल भी गर्म हो रही है। चलिए हम फटाफट कचौड़ी बनाएंगे और डायरेक्ट तेल में अप्लाई करेंगे। तो हम एक पिंडी लेंगे और ये चौकी पे रख के उसकी एक छोटी सी पूड़ी तैयार करेंगे। कोई कोई हाथ से भी कटोरी तैयार कर लेता है, लेकिन किसी किसी को नहीं आता है। तो आपको जैसे इजी लगे हम दोनों तरीके से बता देंगे। तो ये हुई अपनी एक छोटी सी मोटी सी पूड़ी। बीच में हम रखेंगे एक अपना छोटा सा बॉल और ऐसे हम अपने पूड़ी को इकट्ठा करेंगे। ध्यान रहे इसका मुंह खुलना नहीं चाहिए। अब हम इसे ऐसे घुमाते हुए ज्वाइंट कर लेंगे और थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा डो बचेगा उसे हम ऐसे तोड़ के निकाल लेंगे। ये किसी और कचौड़ी में हम डाल देंगे और इसे हम हथेली से दबा देंगे। तो ये अपनी कचौड़ी तैयार हुई। इसे हम जहां तक कोशिश करेंगे कि हाथों से ही कचौड़ी का शेप दे दें। अगर आपसे नहीं होता है तो हल्के हाथों से एक या दो बेलन इस पे चला लीजिए। बिल्कुल अपनी कचौड़ी फूटनी नहीं चाहिए। देख सकते हैं हमने हल्के हाथों से अपनी कचौड़ी तैयार कर ली है। ऐसे ही हम दो से चार कचौड़ियां तैयार करके आपको फ्राई करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स हमने पांच कचौड़ियां तैयार कर ली है। तेल गर्म है, चलिए हम उसमें डाल के आपको दिखाते हैं। तो हम तेल चेक कैसे करेंगे, एक छोटा सा डो का टुकड़ा लेंगे और तेल में डाल देंगे। तो आप ध्यान से देखिए उसमें धीरे धीरे बबल्स आ रहे हैं, डायरेक्ट वो तैर के ऊपर नहीं आया। इसका मतलब अपना तेल न ज्यादा गर्म हुआ है न ज्यादा ठंडा है। अब हम एक एक कचौड़ी को धीरे धीरे ऐसे छोड़ देंगे। एक साथ में जितनी कचौड़ियां आ पाएगी हम इसमें डालेंगे और इसे हम अभी नहीं छूना है। जब तक कि अपने से अच्छे से फूल ना जाए तब तक हम इसे छुएंगे नहीं। ये ऑटोमेटिक फूलता है धीरे धीरे, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, हम वो भी दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स आप देखिए धीरे धीरे अपनी कचौड़ियाँ ऊपर आने लगी है। जब कभी हम पूरी बनाते हैं तो 1 मिनट में ही अपनी पूरियाँ ऊपर आ जाती है, पर ये कचौड़ी को ऊपर आने में 1.5 से 2 मिनट लग जाता है, क्योंकि हम तेल एकदम मीडियम गर्म रखते हैं। तो तीन कचौड़ियाँ तो आ चुकी है, अब चौथी भी आने की तैयारी में है। ऐसे ही हम धीरे धीरे फ्लेम करके कचौड़ी सेकेंगे। अपनी सभी कचौड़ियाँ फूल के ऊपर तैरने लगी है। तैरने के बाद भी हमने इसे 1 मिनट तक सेका है। अब एक बार हम फ्लिप करके आपको दिखा दे रहे हैं। आप ध्यान से देखिए कितनी बढ़िया बाजार जैसी फूली फूली कचौड़ियां अपनी तैयार हो रही है। बिल्कुल फूटने का डर नहीं। अभी भी हम इसे मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे जिससे अंदर इसकी क्रिस्पनेस आ जाए, यानी कि कड़ाड़ी तैयार होगी। तो आप देख सकते हैं अपनी सभी कचौड़ियां फूल चुकी है और ये अच्छे से पक भी चुकी है, पर इसपे एक ब्राउन सी लेयर आती है जिससे काफी टाइम तक ये कचौड़ियां कड़ाड़ी रहती है। तो अब हम फ्लेम को तेज करेंगे और ऐसे उलटते पलटते इसे कड़ाड़ीदार बनाएंगे। एक ही कचौड़ियों में कसर नहीं है फूलने में। अब हमें इसे कड़ाड़ा करना है, तो हम थोड़ा सा फ्लेम को फास्ट किए हैं, ज्यादा नहीं, और इसे बराबर उलटते पलटते ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अपनी कचौड़ी की कलर। फ्राई करने में तो हमें 12 से 15 मिनट लग जाता है, लेकिन ये बहुत ही मजेदार कचौड़ी तैयार होता है। हम तो ये कहेंगे कि बाजार से कहीं अच्छी अपने घर में कचौड़ियां तैयार होती है, बिल्कुल शुद्ध, साफ सुथरी और टेस्टी। तो हमने बाजार जैसी बिल्कुल कचौड़ियां बना ली है। अब हम चमची की मदद से टेढ़ा करते हुए एक्स्ट्रा तेल गिरा देंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया कचौड़ियां बनाना कितना आसान है, खाने में टेस्टी और फटाफट बनके तैयार हो जाता है। तो आपके घर पे कोई भी छोटी मोटी पार्टी हो फटाफट तैयारी कर लीजिए और गर्मा गर्म कचौड़ियां सर्व कीजिए। तो चलिए हम आपको एक कचौड़ी तोड़ के दिखाते हैं, एक कितनी कड़ाड़ेदार हुई है, बिल्कुल बाजार से भी सॉफ्ट। आप देख सकते हैं स्टफिंग कैसे फैली हुई है। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को आपको भी बनाना बनता है। फ्रेंड्स अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।